आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर ए रेवंत रेड्डी 28 अगस्त को 10 बजे सुबह रविंद्रा भारती हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले एक फंक्शन में जवाहरलाल नेहरू कोऑपरेटिव सोसाइटी के ओहदेदारों को पेट बशीराबाद और निज़ाम पेट कुकटपल्ली की जमीनात के डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे। तकरीबन 1200 जर्नलिस्ट के लिए JNJ हाउसिंग सोसाइटी को 17 बरस पहले चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने मकानात की तामीर के लिए यह जमीन रियायती कीमत पर अलॉट की थी। ताहम कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से सहाफियों को 17 बरस तक सबर आजमा इंतजार करना पड़ा। BRS हुकूमत ने 10 बरस तक सहाफियों के जज्बात से खिलवाड़ किया। मिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के सदर की हैसियत से सोसाइटी के ओहदेदारों से वादा किया था कि कांग्रेस की हुकूमत बन जाए तो वो ये जमीन सहाफियों के हवाले कर देंगे। कांग्रेस की हुकूमत बन गई और मिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए। इन्होंने 100 दिन के अंदर ये जमीन के दस्तावेजात हवाले करने का वादा किया था, मगर पार्लिमानी इलेक्शन की वजह से वो अपने वादे की तकमील नहीं कर सके। और अब JNJ सोसाइटी के ओहदेदारों की मुसलसिल नुमाइंदगी के बाद न सिर्फ इन्होंने जमीन के फाइल पर दस्तखत कर दी है, बल्कि 28 अगस्त को बाकायदा एक तकरीब में हवाले करने का वादा भी किया है। सोसाइटी के ओहदेदारान बी किरण कुमार, आर रविकांत रेड्डी, एम वामशी श्रीनिवास, PV रमना राव और के अशोक रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से कामयाब नुमाइंदगी की और इनका शुक्रिया अदा किया। 1200 सहाफियों के बरसों के ख्वाब को पूरा किया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 17 बरस के दौरान तकरीबन 70 सहाफी अपनी जाती घर की आरजू सीने में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी में चेयरमैन मीडिया एकेडमी मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी ने भी अहम रोल अदा किया। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और सीड USA ने तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स के सेक्रेटरी आयशा मुसरत खानम IAS को 85 लाख रुपए का चेक पेश किया, ताकि ये रकम टेमरिस के कामयाब तलबा जो आगे की तालीम हासिल करना चाहते हैं इनमें स्कॉलरशिप के तौर पर तकसीम की जा सके। जनाब मजरुद्दीन हुसैनी ट्रस्टी सीड USA, जनाब मुस्तफा हसन अस्करी डायरेक्टर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने टेमरिस ऑफिस अनिसुल गुरबा बिल्डिंग में ये चेक आयशा मुसरत खानम IAS को पेश किया। इस मौके पर मिस्टर श्रीनिवास एकेडमिक हेड टेमरिस और एडिटर गवाह डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज भी मौजूद थे। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की ख्वाहिश है कि लॉ, IIT, NIT, BITS और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने वालों को ये स्कॉलरशिप दी जा सके। अभी तक 5 तलबा ने इंजीनियरिंग कोर्सेस में दाखिला हासिल किया और 6 तलबा ने CA और CMA में दाखिला लिया है। माशी तौर पर कमजोर तलबा में ये स्कॉलरशिप तकसीम की जाएगी। हैदराबाद की मायानाज शख्सियात के खाकों पर मुश्तमिल सैयद खालिद शहबाज की अंग्रेजी किताब दी कोहिनूर को दुनिया के गोशे गोशे में मकबूलियत हासिल हो रही है। अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों से इस किताब की मांग में इजाफा हुआ है। सेक्रेटरी टेमरिस आयशा मुसरत खानम IAS, जनाब मोहम्मद अब्दुल नईम इंजीनियर मासा इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सऊदी अरब, जनाब मजरुद्दीन हुसैनी सीड USA, डॉक्टर सैयद अल्ताफ अकबर, नवाब महबूब आलम खान, सैयद मुस्तफ़ा हाशमी IPS और कई सरकर्दा शख्सियात ने इस किताब की इशात पर मसरत का इजहार करते हुए किताब के मुसन्निफ को मुबारकबाद पेश की। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।